तो so, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक वो है वर्जिन पिनाकोलाडा इसमें हम लोग कोई अल्कोहल नहीं यूज़ करने वाले तो फटाफट शुरू करते हैं हेलो गाइस वेलकम टू केत की कुकिंग देर इज़ समथिंग फॉर एवरी बहुत ही सिंपल रेशियो इसका मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप पाइनएप्पल जूस मैंने ये फ्रेश पाइनएप्पल का जूस निकाला हुआ है आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्रेश ही यूज़ कीजिए उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हाफ़ कप कोकोनट मिल्क कोकोनट मिल्क ही इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट है और थोड़ा सा हनी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैनिला आइसक्रीम डाला है दो स्कूप, आप टोटली स्किप कर सकते हैं और बस इसको हमको ब्लेंड कर देना है और बन गया हमारा वर्जिन पीना कोलाडा थोड़ा सा आइस डाल दीजिए उसमें आप आइस में कुछ कर सकते हैं आइस जब हम लोग जमाते हैं उसी में थोड़े से लीव्स डाल दीजिए थोड़े से पाइनएपल uh, स्लाइसिज़ डाल दीजिए या रोज़ पेटल्स डाल दीजिए उससे बहुत ही कलरफुल और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा आपके ड्रिंक्स में और समर की जो सारी रेसिपीज़ है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और देखिए कितना बढ़िया सा बन गया हम लोग जो नॉर्मल हमेशा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स पीते हैं वो तो बहुत ही नॉर्मल हो गया आजकल ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग जनरली इसको बनाते नहीं हैं घर पे तो नॉर्मली हमें किसी भी शॉप में ये कोकोनट मिल्क मिल जाता है या कोकोनट पाउडर मिल जाता है तो आप वो कोकोनट पाउडर यूज़ कीजिए अगर नहीं मिल रहा है कोकोनट पाउडर कोकोनट मिल्क तो आप घर पे भी एक नारियल से हाफ लीटर कोकोनट मिल्क भी बना सकते हैं उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा ड्रेसिंग कर दिया है चेरीज़ और पाइन से फ्रेश पाइनएपल यूज़ कीजिए अभी सीज़न में है पाइन तो उसका बहुत इस्तेमाल कर लीजिए जो सीजनल फ्रूट्स है उसी के ड्रिंक्स और सारे चीज़ें बनाइए और देखिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है आप इसे ज़रूर ट्राई करना मुझे इससे रुका नहीं गया था तो मैंने पी लिया तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा है आपका वर्जिन पिनाकोलाडा और ये बाकी की सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे आप वो भी जाके चेक कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय